सबके सामने कौन ज्यादा खींचेगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम? बोलो, इस पर चार्ज प्लस वन, इस पर चार्ज प्लस टू, इस पर चार्ज प्लस तीन। प्लस का मतलब क्या होता है, कमी या अधिकता? कमी ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी सबसे ज्यादा किसके पास है? तो सबसे ज्यादा खींचेगा भाई, सबसे ज्यादा खींचेगा। इसके पास कमी सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा खींचेगा, सबसे ज्यादा खींचेगा। आगे बात समझ में, कौन सबसे ज्यादा खींचेगा बताओ? सबसे ज्यादा खींचेगा यानी यहां पर पोलराइजेशन, बोलो, सबसे ज्यादा होगा पोलराइजेशन या ध्रुवण, सबसे ज्यादा होगा। कोवलेंट करेक्टर बोलो, सबसे ज्यादा होगा। कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे तो सोलिबिलिटी कम, विलेयता कम, पानी में कम घुलेगा ये, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। सही है, ये एल्यूमिनियम प्लस तीन चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज है। और दूसरा एक फैक्टर और आपने सुना था, आप मेरे को ये बताएं, ये सुन आ गया ना, प्लस तीन बहुत ज्यादा चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी बहुत ज्यादा है, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा ध्रुवण ज्यादा, सेशन रिफ्लेक्शन ज्यादा, विलेयता कम, गलनांक। एक आपने रूल पढ़ा था जब आप साइज पढ़ रहे थे, मैंने ये बताया था कि साइज समानुपाती एक बटा ओएस, ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच और साइज के बीच उल्टा संबंध है, ओएस के बीच और साइज के बीच उल्टा संबंध है भाई। प्लस एक प्लस तो प्लस तीन, अब बताओ इसकी ओएस इन दोनों की कंपैरिजन में, ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी प्लस एक इसकी प्लस दो इसकी प्लस तीन किसकी ज्यादा है? ज्यादा है ना, प्लस एक में से प्लस तीन में से कौन ज्यादा है? प्लस तीन ज्यादा होता भाई, क्या कहेंगे बताओ? ओएस ज्यादा है, ओएस ज्यादा होगी तो साइज कम होगा, ओएस अगर ज्यादा है तो साइज कम होगा, तो इसका साइज छोटा है। बात वही आ गई स्टार्टिंग वाली कि अगर कैटायन का साइज धनायन का साइज छोटा है तो कम खींचेगा कि ज्यादा? ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींच रहा है। तो चाहे आप चार्ज के आधार पर ले लो और चाहे साइज के आधार पर ले लो, बोलो सही नहीं? चार्ज ज्यादा, ज्यादा खींचेगा, ओएस ज्यादा है, ओएस ज्यादा है तो साइज कम हो जाएगा, और साइज कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा ना, ज्यादा खींचेगा। तो आप किसके आधार पर ले लें, चाहे तो आप ओएस के आधार ले ले चाहे साइज के आधार। मैं यहां पर एक एग्जांपल समझाऊंगा जो मैं आगे लूंगा उसको मैं यही समझा रहा हूं, ठीक है? दोबारा समझो एक बार, पहले ओएस अगर ज्यादा हो जाएगी तो उसका साइज कम हो जाएगा, साइज कम अट्रैक्शन ज्यादा, ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा मतलब पोलराइजेशन ज्यादा, ध्रुवण ज्यादा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा, सोलिबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। अब मेरे को इसी बात को लेकर के यही रेड दूंगा तो समझ में आ जाएगा। मेरे पास दो एग्जांपल है, एक FeOH का होल थ्राइस और एक FeOH का होल ट्वाइस। Fe प्लस तीन, Fe प्लस टू, Fe प्लस तीन, Fe प्लस टू, सही है? और भाई ये रहा कौन? निर्णायन, दोनों में सेम निर्णायन है तो बन जाता है थोड़ा
छोटा बड़ा भाई, उन्हें दोनों ऋण आए सेम सेम साइज के। इसके बारे में इसकी कंपैरिजन करके बताओ, इसकी ओएस बोलो ज्यादा है, ओएस ज्यादा है तो साइज कम हो जाएगा, साइज कम हो गया ना, अट्रैक्शन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा मतलब पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो FeOH के होल थ्राइस में से और FeOH के होल ट्वाइस में से किसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है? तुरंत नीचे बैठ जाएगा ये, तुरंत नीचे। अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में FeOH का होल ट्वाइस है, एक सॉल्यूशन में FeOH का होल थ्राइस है, नीचे कौन सा बैठेगा जो कम घुलेगा, जो तो नीचे बैठेगा भाई, कौन कम घुला? FeOH का होल थ्राइस विलेयता कम है, FeOH के होल थ्राइस की विलेयता कम है, बोलो सही नहीं, विलेयता कम है तो कम घुलेगा, नीचे बैठ जाएगा। तो बताएं FeOH के होल ट्वाइस में से और FeOH के होल थ्राइस में से नीचे कौन बैठेगा? ठीक है ना भाई, इसीलिए जब आप जा करके 11th क्लास में 12th क्लास में प्रैक्टिकल करोगे ना लैब में, तो आप ये कहोगे FeOH के होल थ्राइस का रेड पीपीटी आ गई, रेड पीपीटी नीचे बैठ जाती है, मतलब लाल रंग का नीचे बैठ जाता है ना भाई, तो हो गया FeOH का, लाल भूरे रंग का है FeOH का होल थ्राइस, नीचे बैठ जाता है, रेड ब्राउन पीपीटी नीचे बैठ जाती है FeOH के होल थ्राइस की। तो ये नीचे बैठा, ये नीचे नहीं बैठा, समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी या इसकी विलेयता कम होती है, कम गुड़ता है तो नीचे ही बैठेगा। इसको पानी में डाल दूं नीचे बैठ जाएगा ना, क्यों उड़ेगा नहीं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, विलेयता कम है, इसलिए नीचे बैठ गया। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया भाई? ठीक है, और ये चल रहा था अपना क्या, चार्ज और केटल, तीन तीन हो गए ना, ये है चौथा ले लें, एनायन पर चार्ज, चार्ज और एनायन, पिछले वाला क्या लिया था, ये कैटायन का लिया था ना, ठीक। अब किस पे ले रहे हैं, ऋणायन पर आवेश ले रहे हैं भाई। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो पहले फिर सुनाएंगे, NaF Mg ले लो, MgF2 MgO MC3 N2, तो तीनों में कैटायन तो सेम है, धनायन सेम है, Mg प्लस टू, एनायन देखो यहां पर कौन सा बताओ, F माइनस वन, यहां बोलो O माइनस टू, यहां बोलो N माइनस तीन, N माइनस तीन, सही है ना, बताओ भाई OS बोलो क्या होती जा रही है, F माइनस O माइनस O N माइनस तीन, OS बोलो घटती जा रही है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, OS घट रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, OS होती क्या भाई, OS होती है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस OS घटती जा रही है, और OS घटती जाएगी तो साइन बढ़ता जाएगा भाई, कौन सा ऋणायन कौन सा एनायन सबसे बड़ा साइज का है,
ठीक है। तो अपन एफ ओ इसका तीनों का साइन बनाओ तो ये होगा, देखो एफ माइनस, दूसरा ओ माइनस टू, और तीसरा एन माइनस थ्री। और ये रहा अपने पास कौन, एन जी प्लस टू। बताओ किसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, सही है, साइज बड़ा हो गया ना, बोलो ध्रुवण, बोलो ध्रुवण या पोलराइजेशन बोलो, कम या ज्यादा, ज्यादा। सहसंयोजक लक्षण या कोवेलेंट करैक्टर बोलो, ज्यादा। गलनांक बोलो, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट बोलो, कम। ठीक है, सोलिबिलिटी बोलो, कम। ये हो गया आपके पास क्या, चार्ज ऑन एन आयन। ठीक है, मैं दो चीज एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बताना है सोलिबिलिटी को सनबाई की बात। एक एग्जांपल है मेरे पास Ag2O का और एक एग्जांपल है मेरे पास Ag2S का। बताओ प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगी, धनायन पे या ऋणायन पे, कैटायन पे या एनायन पे, ऋणायन पे ना, क्यों कैटायन पे क्यों नहीं कर रही, सेम है कैटायन तो, अब किस पे डिपेंड करेगी बताओ, ऋणायन पे। यहाँ ऋणायन है O माइनस टू, क्लियर सी बात है, और यहाँ एनायन है S माइनस टू। ठीक है, इधर चलते अपन और अपन याद करते हैं ओल्ड स्टाइल से O किसका साइड बड़ा है, S, S. सही बढ़ता है ना, S का साइज बड़ा है बड़े आकार का ऋणायन और ये छोटे आकार का ऋणायन। ये Ag प्लस वन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये Ag प्लस वन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, सही है। किसके इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा, बोलो सही है कि नहीं, साइज बड़ा है ढीले बंद रहे, साइज बड़ा है तो ढीले बंद रहे, ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा, ध्रुवण ज्यादा है, ध्रुवण ज्यादा है तो कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा हो जाएंगे भाई, और कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा हुए तो मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। कौन कम घुड़ता है, Ag2O या Ag2S, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी पानी में, कम घुड़ता है Ag2S पानी में कम उड़ता है, ये एग्जांपल हो गया Ag2O Ag2S, ये पानी में कम उड़ता है भाई, पसंद आ गई। ठीक है, ये हो गए कितने फैक्टर, चार। ए प्लस बी माइनस, चार कंपाउंड से हो गए, दो इसके दोनों का साइज, दोनों का चार्ज, सही है कि नहीं, दोनों का size, दोनों का charge। पांचवा ले लें अपन, कॉन्फ्यूग्रेशन ऑफ कैटायन, कॉन्फ्यूग्रेशन ऑफ कैटायन या फिर मैं कहूं धारायन का विन्यास, धनायन का विन्यास बड़ा अच्छा है, पांचवा पेज इंपोर्टेंट है, ध्यान देना, साइज छोटा, अट्रैक्शन ज्यादा खींचेगा, पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट कम, सॉल्युबिलिटी कम, यही एग्जांपल चलते आ रहा है। तो आगे जाकर के दोनों प्रॉपर्टी जो दोनों एप्लीकेशन हो गए,
फजान्स रूल के मैं दो तीन एप्लीकेशन करवाऊंगा, दो दो साथ साथ चल ही रहे, ठीक है। तीसरा मैं यहाँ ले नहीं रहा कलर, क्योंकि वो कलर हो सकता है शुभ करे नहीं करे, बाद में लेंगे अपन। पांचवा ले रहा हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन प्रभावित करने वाला फैक्टर, है ना। एक एग्जांपल लूँ मैं CuCl का और दूसरा एग्जांपल लूँ NaCl का। यहां पर कैटाइन कौन सा है भाई? Na+1। यहां कैटाइन कौन सा है बताओ? Cu+1। सही है, Na+1 का कॉन्फ़िगरेशन बोल दो 1s2 2s2 2p6। ये कॉन्फ़िगरेशन रखो, बाकी इधर वाला हटाओ। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, उत्कृष्ट गैस विन्यास है। मैं इसको नाम दे रहा हूं कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। या कौन सा विन्यास? उत्कृष्ट गैस विन्यास। सबसे बाहर की साइड है पी, और करने वाली बात है सबके बाहर कौन है? पी। इधर आ जाओ। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, वैसे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या भाई, बताओ ना। कॉपर 29, मैंने ऐसे कहा था, ऐसे लिख दिया करो 3D4S। क्या लिख दिया करो? 3D4S। आयरन बोरो कौन से नंबर पे आता है? छब्बीस पे, सही है ना। 26 2 6 6 लिखना गया ना, ऐसे लिखते हैं। इसका 29 है, 29 है तो बोलो 2 और 9। सही है भाई, हाँ। तू भूल गया, तू भूल गई, एक लिखेगा ये और स्टेबल हो जाएगा। आधे भरे हुए, पूरे भरे हुए, हाफ फील्ड फुल फील्ड मोर स्टेबल होते हैं दूसरों के बजाय, इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे। और ये एक यहाँ से ले लेगा, इसके पास रह जाएगा एक, इसके पास रह जाएगा 10। अब बताओ Cu+1 है, कितना त्याग दिया? एक गया, ये गया, डी में 10 बच गए। क्या बच गया? डी में 10 बच गए। लिख दो Cu+1 का विन्यास 3D10। 3D से पहले कौन कौन है? 3s2 और 3p6 है। और मैंने कहा था एक बार, जब आए कंपाउंड बन रहे थे तो मैंने कहा था कि ऋणायन तो एक ही प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है S2P6, सही है, और धनायन या कैटाइन कई करता है। उनमें से दूसरा ये था, किसका नाम था? ना छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास, छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, शूडो भाई, ठीक है। शूडो में स्टार्टिंग का पी साइलेंट होता है, ठीक है ना। तो ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोल दें या छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास बोल दें। तो अब दोनों एग्जाम्पलों को ध्यान से समझें। NaCl नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है और CuCl छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास या स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, प्राप्त कर लेता है।
यहाँ डी है, यहाँ पी है। एक बार ध्यान करो, अपने एक चीज पढ़ी थी तब मैंने बताया था ऐसे, ये एस पी डी एफ। अब मान लो मैं बात करूं शील्डिंग इफेक्ट की, बताओ शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? धक्का या आकर्षण? धक्का। धक्का होता है ना, याद है ना, शील्डिंग इफेक्ट का मीन्स होता है धक्का। शील्डिंग इफेक्ट का मीन्स धक्का। और आकर्षण कौन सा होता है? दोनों ही दूसरे को उल्टे थे, शील्डिंग इफेक्ट धक्का, जेड स्टार आकर्षण होता है। ठीक है, तो दो अलग चीजें, एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, एक जेड स्टार होता है, ये धक्का है और ये आकर्षण। ठीक है, दोनों उल्टे हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये ध्यान रखना। सब में सपोज एक एक जना रह रहा है, एक एक जना रह रहा है, अपन ये कहेंगे भाई एक दो जनों को और ले आओ, एक जनों और एडजस्ट कर लो, दो रह जाए, तीन रह जाए, चार रह जाए, है ना। एस छोटा सा कमरा है, उसमें एक दो जने रह रहे हैं, ये बड़ा सारा कमरा, इतना बड़ा होल, इतना बड़ा होल, तुम तीन बैठे हो, छह जने और आएंगे, तुम ये कहोगे ना ना हम तो बिछ रहे हैं, नहीं बैठाएंगे, बोलो क्या कहोगे? बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, हम क्या दिक्कत है, बोलो सही नहीं। ठीक है, कोई धक्का नहीं, शील्डिंग इफेक्ट कम, अपने होल का बता दो, अपने होल का शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग में धक्का है, अपने होल का शील्डिंग इफेक्ट कम है। और अगर मान लो मैं इस होल में ने पढ़ा था, और देखो इस सामने छोटा सा कमरा है बाथरूम, इसमें पढ़ा था, सही है, तो मैं तो यहाँ खड़ा रहता ऐसे और तुम यहाँ बैठ रहे थे, और बस मैं ऐसे ही पढ़ा रहता, तो हिलता उलता क्यों, अरे हिल गया तुम्हारे पढ़ा था, सही है। अब बताओ अगर छोटा सा कमरा है तो कोई आएगा उसको धक्का लगेगा कम ज्यादा? ज्यादा। तो एस का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और इसका डी की लिखू मैं, एफ बटा दू, एफ ये लो डी है तो डी की बात कर लो, डी का बताओ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कम है तो जेड स्टार, जेड स्टार का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन किसका ज्यादा, पी का या डी का? डी का ज्यादा ना, दोबारा बताओ अट्रैक्शन किसका ज्यादा, पी का या डी का? एक बार और बताओ अट्रैक्शन किसका ज्यादा, पी का या डी का? डी का अट्रैक्शन ज्यादा, ऊपर चल जाओ, यहाँ पी है यहाँ डी है, अट्रैक्शन बताओ इसका क्या होगा, ज्यादा होगा ना। अब मैं इनको हटा करके यहाँ ऐसे लिख दूं, यहाँ जेड स्टार ज्यादा होगा। तो अब बताओ ये सी प्लस वन का जेड स्टार ज्यादा है, जेड स्टार का मतलब अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बताओ ये सी प्लस वन इस सी एल माइनस के इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा ज्यादा? अट्रैक्शन ज्यादा है भाई, ज्यादा खींचेगा, सी एल माइनस के इलेक्ट्रॉनों को सी प्लस वन ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींच रहा है, इसका मतलब पोलराइजेशन या ध्रुवण ज्यादा होगा, और अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, और कोवलेंट करेक्टर अगर ज्यादा है ना भाई, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, गलनांक कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कम होगा, विलयता या सोलिबिलिटी कम होगी, विलयता या सोलिबिलिटी। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है दोनों में से, इन दोनों में से? NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका गलनांक ज्यादा है? NaCl का गलनांक ज्यादा है। विलयता किसकी ज्यादा है? NaCl की ज्यादा है। आगे बात दोनों समझ में, ठीक है, तो जिनका भी कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, कोवलेंट करेक्टर उसमें ज्यादा होगी, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन H2P6T10 ये होगा, कौन सा ये नाम बोल, ना इंग्लिश मीडियम का, हिंदी का है
ठीक है मान लेते हो। ठीक है ए ये लो, कौन सा भाई S2P6D10 जिसका भी होगा ना उसका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा भाई। ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो, मैं इनके लेता हूँ जिंक कैडमियम और मरकर, इन सबको लेते हैं अपने एक साथ। जिंक का कॉन्फ्यूगरेशन ये होता है 3D10 4S2, और अगर मैं इसको प्लस टू कर दूं तो ये गए D10 बचा, और D10 से पहले दोनों है, यानी Zn प्लस टू का कॉन्फ्यूगरेशन क्या होगा बताओ, 3S 3P 3D 2 6 10 आ गया ना। CD प्लस टू का बोलो 4S2 4P6 4D10, HG प्लस टू का बोलो 5S2 5P6 5D10, सही है। तो Zn प्लस टू का कॉम्प्लेक्स Zn Cl2, CD का कॉम्प्लेक्स CdCl2, HG का कॉम्प्लेक्स HgCl2, ये सारे के सारे मोर कोवेलेंट होंगे, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे भाई, इनके कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, क्यों, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास है, और जिनका छदम उत्कृष्ट गैस विन्यास हो स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो पोलराइजेशन ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। S2P6D10 पोलराइजेशन ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम, मेल्टिंग पॉइंट कम, तो इनके सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे भाई कम होंगे। ठीक है ये हो गया पांच फैक्टर जो प्रभावित करते हैं। अब अपन लेते हैं जो फजान्स रूल है उसके एप्लीकेशन, फजान्स रूल या बैटरी का बैटरी चलता है एप्लीकेशन है रहे, फजान्स रूल है फैंस रूल के एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट वाई, दूसरा सॉल्युबिलिटी विलेयता, दोनों पढ़ने देंगे दोनों की बात नहीं करेंगे, तीसरा इंपॉर्टेंट है रंग या कलर, अब ले ले रंग या कलर वाला। ठीक है तो अपन तीसरा एप्लीकेशन हो गए भाई, गलनांक मैंने साथ साथ करवा दिए सारे के सारे, सॉल्युबिलिटी सारे के सारे करवा दी साथ साथ ही। ठीक है और कलर मैं बता रहा हूं, अब देखें ये लो AgCl AgBr AgI, मैं इनके कलर बता दूं पहले फिर अपन रूल बता देंगे। ठीक है ये व्हाइट कलर का होता भाई, ये लाइट येलो और ये डार्क येलो, ये श्वेत हो गया और ये हल्का पीला और ये गहरा पीला। ठीक है तो ये AgCl AgBr और AgI के कलर अपन ने लिख दिए हैं कि ऐसा होता है भाई, ये इनके कलर है। अब यहां पर अपन फायंस रूल लगाते हैं फजान्स रूल लगाते हैं, रूल भी बन जाएगा। देखो यहां पर कैटाइन तो तीनों में सेम है, Ag+1 Ag+1 Ag+1, यहां है Cl-, यहां है Br- और यहां है I-। ठीक है अब बताओ ये Ag+1 किसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींचेगा ना, तो इस AgI में बोलो, इस AgI में पोलराइजेशन बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां पर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, पोलराइजेशन ध्रुवण ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर बोलो
ज्यादा होंगे बस। जिसमें कोनेंट करेक्टर जितने ज्यादा होंगे उसका कलरफुल होने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा होगी, उसके कलर उतने ज्यादा डार्क होंगे। किसके कलर डार्क होंगे? जिसमें कोनेंट करेक्टर ज्यादा होंगे ना उसका कलर डार्क होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल दो और। ये तो हो गया भाई, तो बताओ AGI गहरा पीला है क्यों? कोनेंट करेक्टर, जिसमें कोनेंट करेक्टर ज्यादा होगा ना उसका कलर गहरा हो जाएगा। PbCl2 PbI2, ये वाइट है और ये येलो है भाई, पीला, ये श्वेत और ये पीला। रीजन क्या है? देखो पीबी तो दोनों में सेम है, यहां कौन है सीएल माइनस, यहां कौन है आई माइनस, का साइन बड़ा होगा, बड़ा साइन है तो बताओ यहां पोलराइजेशन, बोलो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होंगे, रंग प्रदर्शित करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, कलर ज्यादा गहरे होंगे, इंटेंस होंगे, किसके PbI2 का, इसलिए ज्यादा येलो है। आगे बात समझ? ठीक है भाई, SnCl2 SnI2 किसका कलर ज्यादा डार्क होगा? SnI2। आगे बात समझ में? ये हो गया आपके पास फजान्स रूल और फजान्स रूल के एप्लीकेशन भाई। ठीक है, कितनी होगी बात? पूरा ही घंटा हो गया।